बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जी श्री सदगुरु महाराज की जी बंदो सतगुरु चरण को कर धनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करना धनी श्रीदेव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेराज सुना तेज कुंवरी शमा युगल खो पल करू को पल करो प्रणाम जी को पल पल करो प्रणाम मेरे प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडलित एवं प्यारे सुंदसाजी तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी आप आज श्री देवचंद्र जी के प्रकटन दिन पर हम भाव रखेंगे श्री लालदासी को बीत साहेब के आधारित हम चौपाई पर आगे बढ़ेंगे सवन सोलह से अड़ती से आज सो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मु आए प्रगटे मारवाड़ मु ता में गाना उमरकोट मतु में ता घर अवतार माथा जो कोर बाई ता को कहो विस्तार को कहो विस्तार प्राणदार श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान महामति जी अपने स्वरों में कहते हैं कि विक्रम संवंत सोलह सौ सो अड़तीस में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को श्री देवचंद्र जी का जन्म किसका श्री देवचंद्र जी नाम के तन का जन्म मारवाड़ प्रांत में हुआ था उस तन में परब्रह्म की आनंद स्वरूप श्री श्यामा जी ने प्रवेश किया और ग्राम का नाम उमरकोड़ था और उनके पिता का नाम मेहता और माता का नाम गौर था और हम बोलते हैं कि पर ये चौथे दिन के संया करो विचार हम छः दिन की बात जब सुनते हैं तो हम चौथे दिन किसकी लीला है सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी की तो यहाँ क्या बोला पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार ये निका भाव के तीसरे दिन की लीला पूर्ण हुई और चौथा दिन जब प्रारंभ हुआ तो चौथे दिन की लीला का क्या भाव है मेरे फणद क्योंकि दसवीं सदी के लिए हुई ये बुजुर्ग शब्द जो प्रयोग किया गया है क्योंकि चौथे दिन में स्वयं श्यामा जी का प्रकटन होने वाला था ने और श्यामा जी के तन से जो एक महत्वपूर्ण लीला होने वाली थी चौथे दिन में उसी का भाव लालदासी असबाई धामदी में धामदनी स्वयं रखने जा रहे और सुनते हैं ना कि दसवीं ईसा स्वयं ईसा रुगल्ला श्यामा जी से होने वाली लीला धामधनी ने मेरे सुनो जी धामधनी ने पहले से ही मूलीविला में यही महायावई खेल के विषय में बता ही दिया था कि खेल ऐसा होगा ऐसा होगा लेकिन हम तो वहाँ प्रेम की बेसुधी में थी सब ब्रह्मत्माए धामधनी ने कहा था कि मैं मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी क्योंकि अभी आगे और भी रस को लेना है तो मैं धर्म शास्त्रों में साक्षी साक्षियाँ लिखवाऊंगा किसने बोला था सुंदर साहद जी दामधर ने स्वयं इतना नहीं मेरी श्यामा महारानी भी आएगी स्वयं मैं भी आऊंगा जितनी देर वचन सुनोगे न तब तो आप रोती रहोगी सब ब्रह्मात्माएं। फिर क्या होगा जैसे ही समाप्त हुआ उत आप फिर माया की फरामोशी में ऐसी प्रबल माया में आप जा रहे हो मेरी आनंद स्वरूप पर ऐसा दारू लिया है रूहल्ला बोलते ने चौपाई में श्यामा जी ऐसी अखंड घर की औषधि जो चौदह भवन में ना पाइये किरण में बताया ने कि जो चौदह भवन में ना पाइये जो वह हाथ अभी तो चौदह भवन में ना पाइये ओ हाथ अभी दामदरी ने क्या बताया प्राणदास सुंदर हाथ जी ये चौथे दिन की लीला की जो मैं बात रख रही हूं दो श्यामच ऐसी उस औषधि ऐसी दारू जो चौदह लोग निराकार के अंदर उसकी दवाई आपको कहीं नहीं मिलेगी लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि संसार के हजारों साल से कितने हजारों साल से इस ईश्वरी रूपी कब्र में सोया हुआ जीव श्यामा जी की रचना धाम धनी के दिल से प्रवाहित प्रेम की धारा श्यामा जी की रचना से मुर्दे तो जीवित हो गए लेकिन तुम नहीं जगोगी ये पहले से राज जी ने मूल से बता दिया था यही तो हंसी है हमारी सुंदर साजी। हाँ जी मैं कई बार विचार करती हूँ कि कैसी है भारत भूमि हमारे लिए सौभाग्य की बात है न धन्य कलयुग उत्तम मनुष्य तन इसी में भी ध्यान से सुनना इसी में भी हमारा कितना उत्तम जीव कि उस पर ब्रह्मात्मा बैठकर लीला कर रही है तो सुंदर शाह हाँ जी आत्मा का तो कोई दोस्त नहीं है इतना सौभाग्य पाने के बाद भी क्योंकि वो तो दृष्टा है आत्मा का तो कोई दोस्त नहीं है क्योंकि वो तो दृष्टा जीवी आत्म अंधी करे अंतस्करण इंद्रियो इंद्रियों घेरम बोलते हैं, तो मैं आपको दृष्टांत से समझाना चाहती हूँ कि मान लोम एक सराय एक धर्मशाला में हम रात्रि को कहीं ठहरने के लिए गए ठीक है तो वहां जाके हमने जो धर्मशाला का जो नेतृत्व कर रहे हैं उसी व्यक्ति को हमने पूछा कि भाई हम रात्रि को ये ठहरना चाहते हैं तो ये धर्मशाला पूरी भरी हुई है लोगों से व्यक्तियों से तो धर्मशाला का जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा कि पूरी भरी पड़ी है अभी जगह नहीं है तो ऐसे मान लो हमारी जो दस इंद्रिया उसका राजा कौन है मन तो मन के अंदर बहुत जन्मों के संस्कार अंदर अग्रांत का जो कावरण बना हुआ है तो हम बोलते हैं ना कि मन के हारे हारिए मन के जीत जीत देखिए मन को लगना कोई बड़ी बात नहीं है मैं थोड़ी इस विषय से कोई वो नहीं मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रही हूँ अंतर नहीं कर रही हूँ लेकिन एक बात बता रही हूं आपको कि देखिए मन की क्या महत्ता है और मह मन की क्या कीमत है और मन के अंदर राज्य को भी हम बैठा सकते हैं और माया को भी बैठा सकते हैं तो यहाँ हमने बोला ना जो मन के हारे ये मन के जीते जीत तो मन को लगना कोई बड़ी बात नहीं है मन तो पिक्चर में भी तीन घंटा लगातार लग जाता है और वही मन जब धनी की ओर मुड़े मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कोई मन जब धनी की ओर मुड़े ध्यान जितवनी करे तो युगल स्वरूप में भी तीन घंटा किया जिसका आसन स्थिर हो गया वो तो चार या पांच घंटे तक लगातार एक आसन पर बैठ सकता है तो मन को किधर मोड़ना ही हमारे हाथ की बात नहीं सुंदर साहद जी सब मन का ही तो खेल है मन ही नीला मन ही पीला मेरे प्राण सुंदर साहद जी ये हर कदम पर हमारा युद्ध है ये के अंदर जो व्यक्ति कल मैं आपको दृष्टांत समझाती हूँ जो व्यक्ति कल युद्ध में जाने वाला हो उसको अगली रात को आप बोलो लो मैं मखमली तक के आपको बिछा दो आपके लिए बत्तीस जात के बत्तीस भात के व्यंजन भी बनाए खा लो क्या उसकी को उसी को भोजन अच्छा लगेगा क्या उसी को नींद आएगी मखमली तक की वो नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं क्योंकि कल युद्ध में जाना है तो देखिए जो दो तीन या पाँच दिन के लिए युद्ध में जाने वाले व्यक्ति को चैन नहीं पड़ रहा है नींद नहीं आ रही है तो जिस मन के अंदर बहुत जन्मों के संस्कार बने हैं तो उस मन कैसे शांति लेने देगा इसीलिए तो सांडिलियो ने अपने भक्ति सूत्र में क्या कहा सुनिए आप ध्यान से भाई जब तक धान और भूसा जब मान लो है तो वो भी एक छिलके में है ना अंदर तो यह क्या बोला भक्ति सूत्र में सांडिल्यके? के, कि जब धान और भूसे को अलग ही नहीं करोगे तो शांति कैसे मिलेगी आनंद कैसे प्राप्त होगा हम बोलते ना माया और ब्रह्म को निर्णय किनो जय जय सतगुरु आरती तेरी मैं पत्थन दिन पर जो विषय लिया ना तो याद आया जय ये सतगुरु आरती और माया ब्रह्म को निर्णय क्षीर नीर को निर्णय करो करना है तो कैसे करेंगे ये माया सुंदर साजी बहुत बलवंती है ये शक्तिशाली नहीं है उसको हल्की मत गिनो दामदनी के आदेश से उत्पन्न हुई है लेकिन ये बोल कर भी संतुष्टि नहीं लेनी है दामदनी ने क्या कहा माया बल जानी धनी दाम थी धन लेकर आए मतलब सामने जितना माया का बल है ना उससे करोड़ों गुना धामधनी वाणी का बल लेकर आए हैं तो ये माया हमारा क्या बिगाड़ेगी लेकिन निज घर को याद करेंगे तब तो माया भागेगी माया को लगेगे तो माया हमको लगेगी देखिए मैं अभी ये मेरा हाथ में वो है तो मोबाइल जो भी हो कोई भी चीज तो मोबाइल ने मेरे को नहीं पकड़ा मैंने मोबाइल को पकड़ा मतलब माया ने हमको नहीं पकड़ा हमने माया को पकड़ के रखा है तो मेरे प्राणदास माया के अंदर बहुत सावधानी से चलना है बीच में मैंने ये बात इसलिए रखी कि एक जो मन की क्या मूल्य है और मन के अंदर की बात कैसे समझ में आती है तो यही मन जब दृढ़ ईमान पर खड़े होंगे रहेंगे तो हमारे ईश्क और ईमान दोनों के पंख मतलब दोनों पंख है मजबूत हो जाएगी विषय की ओर आगे बढ़ते हुए और ये माया की बात बीच में इसलिए रखी के सुखदेव जी ने भी परीक्षित से यही बात बताई थी ने कि संसार के सभी लोग चाहे भक्त ले लो मनीषी योगी तपस्वी ऋषि मुनि केवल अक्षर ब्रह्म के चार विपोति पाद अक्षर ब्रह्म के चार विभूति पाद ठीक है तो यहां रणदास जी मैं जो कहना चाह रही हूं कि जो अक्सर वर्म के चार विभूति पाद है की भक्ति जो करते हैं लोग कि जबकि ये तो अक्षर ब्रह्म से भी परे साक्षात अक्षरातीत की आलादीनी शक्ति है इसलिए इनके इस संसार में आ जाने से सबको अखंड मुक्ति मिलेगी और बताओ देखिए अक्षर ब्रह्म के जो चतुष्पाद विभूति है तो जितने भी भक्तवणि भी जो मैंने नाम लिए वो सब लिख को अक्षर माना और केवल ब्रह्म को ही अक्षरातीत मान लिया आगे सतस्वरूप क्या है और उसके आगे अक्षरधाम और पराम किया उसके बारे में तो वो निर्देशन क्या संकेत भी नहीं कर पाए जी तो यहां यह आला नहीं सकती श्यामा आइए इस संसार में और सबको अखंड मुक्ति मिलेगी और सभी को सुख प्राप्त होगा ऐसी कई साक्षियाँ वेद कतेब और संतों की वाणी में भी अनेक रूपों में दी गई थी कि सच्चिदानंद परब्रह्म दो स्वरूपों में लीला करेंगे और पुराण संहिता के अठारह श्लोकों को मिलाकर ये श्लोक एक बनता है बनता है कि सुंदरी च इंदिरा नामाभ्य चंद्रस् मान अंधकार विनाश राय प्रतिबदि भविष्यती कलयोगे ठीक है क्या बोला प्रतिबदी भविष्यति कलयोगे श्यामाजी एवं इंद्रावती जी दो तन धारण करेगी और ये दोनों स्वर कलयुग में अज्ञान रूपी माया के अंधकार का नाश करेंगे तो ये साक्षियत दी गई थी और वाणी के आधारित हम देखें तो रोहन लाल दो जामे पहर से पहला सुपेद गुदरी क्या बोला अराउ्लाह सुपेद गुदरी का कथन का भाव क्या दर्शाता है आगे सुनिए तो जब से इस ब्रह्मांड की रचना हुई तब से इन दोनों स्वरूप चंद्र जी तथा तो श्री प्राणनाथ जी की पहचान संबंधित वास्तविक जो साक्ष थी ये धर्म ग्रंथों में दी गई थी लेकिन संकेतों में दी थी जब तक तारतम ज्ञान इस संसार में नहीं आता तब तक अद्वैत लीला की पहचान किसी को नहीं होती जब ये दोनों स्वरूपों का प्रकटन हुआ तो संसार के सामान्य जीव सृष्टि को भी उसका ज्ञान प्राप्त हो गया देखिए कितना बड़ा सौभाग्य इस संसार के जीवों का तारतम ज्ञान आने से स्वप्न के जीवों की दृष्टि भी बेहद को पार कर स्वलीला अद्वैत परमधाम के अखंड सुख में विहार करने लगी ऐसा अवलौकिक तारतम ज्ञान श्यामा जी परमधाम से लेकर आई कि आज तक संसार के लोगों को यथार्थ रूप से पहचान नहीं हो पाई थी यह दोनों तनों से होने वाली लीला और ज्ञान की महत्ता दर्शाई सुनर शाह जी लेकिन मेरे प्यारे सुंदर शाह जी हमने कभी इस विषय पर चिंतन किया है मैं आगे बता रही हूं हम तो एकदम सरल तरीके से बोल देते नहीं कोई दिल में पीड़ा नहीं कोई व्यथा वीर प्रेम हम क्या बोलते बता हम थोड़ा सा जी की खोज पर प्रकाश डालेंगे कि जो चालीस चालीस साल तक श्यामा जी ने जो खोज की है ना और हम नॉर्मल बोल देते के कई कसनी कसी अंग प्रेम सेवा में ना कियो भंग कई कसोटी करी रम सब सयन श्यामा जी की स्थिति उस समय क्या हुई होगी उस पर क्या गुजरीगी आपने कभी इसी चौपाई के चरण पर कभी चिंतन स्वाध्याय या है क्या जब अंदर से जब ये अंदर बाहर में जब हम पहुंचेंगे ना तब तो पता चलेगा कि जैसे जल बिन मछली सागर को मिलने के लिए नदी की आतुरता रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानों को भी कंकड़ बनाती हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को कंकड़ बनाती हुई स्वयं अपना रास्ता बना बता बनाती हुई बस बह रही है उसको रास्ते के कंकड़ पत्थरों को नहीं देखना है एक ही लक्ष्य बस सागर को मिलना बस सागर को पाना एक छोटा सा बालक देखिए, मैं सतु देव चंद्र जी तो बाद की बात पहले मैं जब देवचंद्र जी नाम का छोटा सा बालक जब निकल पड़ता अपने प्रियतम की खोज के लिए हम बोलते ना पिया में बहुत तक तो को ढूंढिया उसी विषय को लेकर मैं आगे बोलने जा रही हूँ छोटा सा बालक तेरी रात रण दिल में अदम्य विपास मिलने की एक जिज्ञासा बस निकल पड़ा है अपने प्राणवल्लभ को पाने के लिए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित अलग अलग मतपंथों के साधु संन्यासी मौलवी पंडित से मिलकर एक ही सवाल बस मैं कौन हूं आया कहाँ से हो संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है मेरी आत्मा के प्रियतम कौन है सुंदर सर जी ये सब हम तक के माध्यम से सुन चुके हैं मैं ज्यादा नहीं कहूंगी इस विषय को लेकर देखिए, हमारा जो बालक हो सोलह साल का रात को अंधेरी मतलब रात हो बाहर एक घंटे के लिए गया ना तो हम दो तीन फोन कर देंगे और बोल रहा है कि मैं पाँच मिनट में पहुँचा नहीं पहुँचा तो फिर फोन करके कहाँ पहुँचा और हमारे से हमारा जिगर काम टुकड़ा मानते दिल का टुकड़ा मानते दो मिनट या दो घंटे भी अलग नहीं होने देते हमने कभी सोचा है सोलह साल का बालक रात को निकल पड़ा है और पूरा संसार मायावी नींद में तो सोया है और एक रात्रि की थमोगोड़ी भी निंद्रा में गहरी नींद में सोया हुआ है और वो जी है जो रात को निकल प्रियतम की खोज में किसके लिए हमारे लिए ऐसे प्राण प्रियतम की खोज करते करते चालीस साल की उम्र हो गई तीसरे दीदार में धामधनी ने परमधाम के पूर्ण श्रृंगार में जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया जा कांजीपट कथा का भागवत की तो वहां जी जब दर्शन दिया और पहचान दिया क्या दिया वैसे तो पहचान पूर्ण पहचान नहीं अभी पूछा कि तुम कौन हो आप अपने को पहचान दियो क्या तो श्यामा जी ने क्या बोला कि नहीं धनी मैं बस थोड़ी नींद में हूं मतलब अज्ञानी मैं इतना कह सकती हूं कि मेरी आत्मा खावीन दो लेकिन पूर्ण उसने नहीं पहचान पाई जाके दनी ने थोड़ी कुछ पहचान दी कि तुम सुंदर भाई हो तुम तो रजरास में लीला की आपका खेल पूर्ण नहीं हुआ तो तीसरी बार ये जागने का ब्रह्मांड बना है लेकिन पूर्ण पहचान तो ध्यान से सुना पूर्ण पहचान तो जब विक्रम सन सत्रह के बाद खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की जब वाणी उतरने के बाद ही पहचान देते दामदनी श्यामा जी को भी जब आवेश में देखे पूरे जोग माया की नींद क्या बोला आवेश में देखे पूरे जोग माया की नींद तो देखी श्यामा जी को भी फिर आगे चौपाई में और बोलू निज बुध आवे अज्ञाए तोल ना छूटे मोह आत्म अंधेर में बुद्ध बिना बलना ना हो निज बुद्धि बिना ये संभव ही नहीं था तो सुंदर साध जी हमने कभी सोचा है कि क्या श्यामा जी को बड़ी रूप कह के सबकी सिरदार परमधाम में तो वायदा थे वहां सब समान है सबकी सुबह समान है लेकिन यहां जब हम सब रूहे श्यामा जी के साथ आए, राजी ने क्या बोला पता है लियाओ बुलाई तुम रूह ला इस श्यामा जी जाओ मेरी ब्रह्मात्माओं को बुला के लाओ छिरो वो एक क्षण बाला देनी देरी सुंदर बाई मो सखी तमे लई चालो आवेश ममू को अकेला देखिए सुंदर सजी दामदनी राज जी ने क्या कहा शमा जी आप सब सखियों के हैं उनको अकेले मत छोड़ना आप हर पल साथ में रहना दामदनी दिल दिल में रहना मतलब सुंदर सात के दिल में रहना प्रेम के आप प्रेम के स्वरूप हो मेरे अंग हो मेरे बिना उसका एक हमारे लिए क्या बोल रहे एक क्षण अलग रहना असंभव है लेकिन वो माया की में इतनी डूब गई है ना जहाँ हो तुम उसको मेरी याद दिलाओ परमधाम की ब्रज की रास की की घर तो क्योंकि वो मेरे ही होंगे तो उनको वापस परमधाम बुला के लाओ मेरे वचन को ना माने दे तो कहे ना कि राज जी ने कहा है आप चलिए अपने घर क्योंकि वो मेरी आशिक है मेरी आवाज सुनते ही पहचान लेगी देखिए इतना विश्वास धामधनी को बोलते थे माया माए लेकिन साथ मानते के वाणी साथ आ से रोडिय आनी ते मैं कही हूं जानी जानी दानदनी कुमार पर कितना कॉन्फिडेंस था इतना विश्वास था बोले कि तुम ये सुनते मेरी पहचान कर लेगी सुंदर जी आप गहराई से इस बात पर चिंतन करिए राज्य पर क्या गुजरी होगी ये तो यहां सी सामान्य सी बात है कि वहाँ तो पल भी नहीं हुई है या तो छठे दिन में अंतिम समय चल रहा है तो सुंदर सा जी दुख के साथ कहना पड़ रहा है बदलिया ना हमारा हाल ए गुण सुने तो भी महा तो सुंदर आवाज अभी वो ही गुंज रही है भले ना भूले हम अलस तो बेरुकुम और हम मेरे प्राणदास सुंदर जी धनी की पल पल नजर हमारे पर है वो पल पल हमको देख रहे बता नहीं हम तो चौबीस घंटे में कभी कितनी क्षण मैं तो क्षण कहूंगी मेरे मैं आपको नहीं पूछ रहा आप अपनी आत्मा को पूछ लीजिए हम कितनी क्षण कितनी देर के लिए राज्य की ओर देखते होंगे ये आप अपने अपने को पूछ लीजिए अंतरात्मा को ये सब सुन साजी मेरे को दुख के साथ कहना पड़ रहा है हम बोलते हैं सतगुरु ब्रह्मा नंदे वही पूर्ण ब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्यामा हमारे लिए चौथे दिन में आई रो रो के लर लर के के कई खंडनी के ऐसे वचन सुनाए लेकिन हम तो भी हमारे कठोर दिल पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ कोई प्रभाव नहीं पड़ा आगे सुनिए सुंदर बाई आप वार जी आपन ने अग न करे कई मोकलिया प्राणाधार जी ऐसी हमारी सुबान रोअल्ला श्यामा महाराणी को जी ने हमारे लिए इस नस्वर जगत में संसार में हमारी आत्मा को जगाने के लिए भेजा इसलिए सुंदर जी इंद्रावती की वीर वेदना को भी अनुभव करो पूरी वाणी छठे दिन में हमारे लिए एक प्रेरणा स्त्रोत्र है सतगुरु स्वरूप धनी देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान जब अब से में हुई नहीं इंद्रावती को तब से लेकर अंतिम लीला तक ये वीर वेदना है कहीं भी अपनी प्रशंसा अपनी कोई बड़ाई इंद्रावती ने नहीं गाई है बार बार देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुए स्वरूप का गुणगान गाते हैं बार बार उसके अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान करते हुए क्या बोल रहे सारा आए थे मेरे घर मैं पहचान न कर सकी देखिए इंद्रावती की पुकार पुकार चले पीओ जी जो पहचान होती ने, तो मैं एक क्षण भी, भी आपसे अलग नहीं होती दामदनी मैं आपकी ही परिक्रमा करती रहती मतलब पल पल आपके सानिध्य में रहती दामदनी आपने अब से मैं पहचान नहीं थी मेरे वहां दी अब से मैं पहले आपने क्यों पहचान नहीं दी इसलिए तो मैंने आपसे और एक बार मन की परीक्षा ली और पैसे कर दिया। रास्ता बदला क्योंकि क्यों किया मैंने आपके धाम दिल में बैठे हुए स्वरूप की पहचान मूल स्वरूप की पहचान नहीं की तो देखिए हमारे लिए वो घटना घटित ना हो इसके लिए वाणी के माध्यम से ये सुंदर साजी सिखापन दे रहे दामदनी क्या बोला और दूसरे जामे में भी जो नौतन कहा गया ना नौतन मतलब चौथे दिन की लीला पूर्ण होने के बाद जब नया जामा नया तन जब मिहराज का धारण किया दूसरा तन जब मिराज के तन के अंदर वो श्यामा महाराणी सुंदरबाई बैठ गई वो कहीं नहीं गई दूसरे जामे में बैठकर वही तो लीला कर रही है मामती के धाम दिल में विराजमान हुई। रोहल्ला दो जामे में दूसरे पर मुर्दार। हम बोलते हैं न तो यहाँ धाम ने सुंदर जी चौथे दिन की लीला जब पूर्ण हो रही है बोलते हैं वाणी के माध्यम से हम चौपाई में भी बुधवार मध्य रात भयी धनी भय अलग कच्छुक शुद्ध बिहारी जी को पता चला उसी समय इंद्रावती तो मतलब मिराज को तो घर पे भेज दिया था वो तो घर पे थे बिहारी जी को थोड़ा कुछ पता चला वहां सुधी दिए गई तो यहाँ भादरवा सुद विक्रम संतर सो बारह भादरवा सुद चौदस लीला पूर्ण की आसो सुद चौदस न जन्मदिन मैंने बताया सोलह अड़तीस में और वैसे भादरवा सुद चौदस बिक्रम सर सत्रह सो ना अपनी लीला चौथे दिन की पूर्ण की लेकिन मैंने अभी बोला न वो श्यामा जी कहीं नहीं गई कहाँ बैठी है पांचवें दिन में महामती के दामों दिल के अंदर इसलिए तो हम बोलते तब से मुख वचन कहे प्राण नाथ क्या बोला तब से वचन अपने मुख कहे सी प्राण नाथ ढूंढ का अपना साथ मेरे प्यारे सुंदर साजी वचन कह प्राणनाथ इस चौपाई में सीधा प्राणनाथ क्यों कहा गया तो क्या देवचंद्र जी बोल रहे कौन बोल रहा है प्राणनाथ मतलब चौथे दिन में देवचंद्र जी के दाम दिल में भी प्राण नाथ लीला कर रहे क्या लेंगे प्राणनाथ जी कोई देवचंद्र जी के तन का नाम नहीं है कभी कभी हम ये भी बोल देते हैं कि सदगुरुदानी देवचंद्र जी के चरणों में महामती सी प्राणनाथ आए और सतगुरु के दाम दिल में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी की बैठे, बैठे के मतलब बैठे हैं तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ मेरे प्राणदास सुंदर साहब जी कि अक्षराथी श्री कृष्ण जी तो फिर प्राणनाथ कौन है जो अक्षराथी श्री कृष्ण जी है तो प्राणनाथ कौन है और सतगुरु का क्या भाव लेंगे आप सतगुरु धारी श्री देवचंद्र जी तब कहा गया जब युगल स्वरूप श्याम, तो श्याम, तो श्य, श्याम श्यामा जी हम बोलते ना सतगुरु मेरे श्याम जी मैं ऐहरी चरण रहो तो श्याम श्यामा जी दान दिल में बैठे तीसरे दर्शन के बाद तब तब तो स्वयं श्यामा जी भी देवचती के तल में खोज कर रही थी सूक्ष्म स्वरूप से तो सुंदा जी सब दिलों में सूक्ष्म स्वरूप से सब दिलों में धनी की बैठक है लेकिन पहचान नहीं होती तब कैसे सदगुरु कहलाते और भी जब समझाई अभी मैं एक और छुपाई वाणी की ले रही हूँ गांगजी भाई के घर की कि जब समझाई पार की बाग तब धनी की भाई पहचान देखिए गांगजी भाई ने जब सदगुरु धनी देवचंद्र जी के देवचंद्र जी को मतलब सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को जब पार के कैसे वचन सुनाए जैसे पात्र बनते गए बनते गए तब तो पहले मात्र फिर और आगे फिर और आगे जब पूर्ण पात्रता देखी ने तब तो पूरा ब्रज रास नाम की पूरी बातें बताने लगे तो क्या बोला यहाँ तब तो बताने लगे और अपने घर में बुलाया ने और देव चंद्र जी को विराजमान किया तो देखिए चाकला मंदिर में जब ये लीला हो रही है तो वहां और भी चुपाए प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्नेह सु करी धनी बेचान के अपना दाम दनी तो मेरे प्राणदास जी वहां भी देवचंद्र जी के अंदर जो दामदनी की बैठक बनी युगल स्वरूप की तो ये गांधी क्या बोल रहे कि कर विचार पूछे वचन नी जो लिए जब समझाई फार की बात जब पार की बात मतलब पार के वचन सुनाए तो देवचंदी के दाम दिन में बैठे हुए युगल स्वरूप की पहचान कर ली धनबाई ने गांधी भाई ने तो अपने घरों लिए बोला अपने घर चकला मंदिर में ले गए तो यहां फणदा सुंदर साक्षी आप रूप और स्वरूप के भेद को समझिए तो हम क्यों बोलते हैं कि मांगा किया राधा बाई का लेकिन ब्याई नहीं प्राणनाथ तो पांच दिन मेरे प्राणनाथ ने ही तो लीला की चाहे व्रज का तन हो चाहे रास का कृष्ण का तन हो या चौथे दिन में देवचंद्र जी का तन हो या मिहिराज का हो, भले अलग अलग रहे तन लेकिन लीला करने वाले मूल स्वरूप का आवेश उसी के बाद ही प्राणनाथ कहा गया देखिए प्राणनाथ तुम एक रास में भी शब्द बोलते थे क्या शब्द आता रास में ये संगे खेले प्राण रे तो रास में कृष्ण जी का था ये हमारे जो आत्म में आपको एक प्रश्न भी पूछना चाहती हूँ कि वही हमारे आत्म के प्रियतम श्री कृष्ण जी तो यहां वाणी में प्राणनाथ शब्द का प्रयोग क्यों कहा गया मतलब प्राणनाथ शब्द का प्रयोग क्यों किया तो यहाँ सा जी मूल स्वरूप का आवेश लीला कर रहा है वही हमारे प्राणनाथ जो हमारी आत्म के आधार है प्राणों के नाथ है प्राणों के प्रीतम वही प्राणनाथ वो हम तनु के झगड़ों में न पड़े सुंदर साथ हम सुन्दर साथ को धोड़ा की दृष्टि से ना देखें परस्पर परस्परस परस प्रेम की दृष्टि से दे देखे परस्परस हम परस प्रेम के व्यवहार करें सबके प्रति प्रेम के व्यवहार करे सबको प्रेम की दृष्टि से देखे मैं दोबारा क्यों दोहरा रही मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है जो हम प्रेम के स्वरूप क्या बोला कि तुम मेरे अंग हो वे तुम सब मेरे इश्क के तन हो तो सुंदर सा जी दामदनी प्रेम के स्वरूप हम ही प्रेम के स्वरूप और वादत के स्वरूप है तो देखिए साथ सुंदर साथ से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो दानदनी राज्य से कैसे कर पाएंगे तो हमारा आत्म का कल्याण कैसे होगा तो हम इस विषय पर सोचें तो चाहे स्वामी जी सुंदर जी जी ने क्या बोला चाहे कोई भी दिन लीला हो बस हम धनी की पहचान देने के लिए ये लीला हुई है ये चौथे दिन की हमारी श्यामा कम जो अभी मैंने पहले भी ये चौपाई बोली कि कई कसोटी करी दुली सो कारण हम सब सबसे मरी श्यामा महारानी आई हमारे लिए आई हमारे लिए कसनी की तो वाणी क्या कहती है तो वाणी की आवाज को सुने सुन साजी कोई व्यक्ति स्थान से ना जुड़े वाणी से जुड़े वाणी से बंधे स्थान से ना बंधे यमुक व्यक्ति ये यमुक स्थानी ये नहीं वाणी के अनिवार्य वाणी से जुड़े और अंतरात्मा की आवाज की पुकार को सुने धनी की आवाज को सुने ने वाणी के माध्यम से और अपनी आत्म जागृति का लक्ष्य पूरा करें चौथे दिन और पांचवें दिन का जो संदेश है और दिन में ही बैठे घर जागे था यही कॉल पूर्ण करे सुनसा जियो बस इतना के कर पाणी को विराम दे रही इतने भाव के साथ आपके किसी चरणों में, में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी